श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ में पहली बार कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा घुटने एवं कूल्हे की जोड़ प्रत्यारोपण एवं ब्रेन स्पाइन सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी, एडवांस ट्रॉमा केयर, शिशु रोग, स्त्री रोग, मूत्र रोग, दंत रोग, नाक कान एवं गले के रोगों का संपूर्ण उपचार, क्रिटिकल केयर, फिजियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस यूनिट, बर्न यूनिट, स्ट्रोक यूनिट, पेन क्लिनिक, सिटी स्कैन, एक्सरे एवं मॉडर्न पैथोलॉजी, कटे फटे होंठ एवं तालू की निशुल्क सर्जरी, आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक साइकिल रैली निकालकर अनूठा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बूढ़ा तालाब धरना स्थल से शुरू होकर सप्रेशाला स्कूल के पास खत्म हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के तत्वाधान में यह रैली निकाली गई थी। इसके अलावा राजधानी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, विकास उपाध्याय विधायक, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री गिरीश देवांगन और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा एवं सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि आज ही के दिन PCC चीफ मोहन मरकाम का एक साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है, जिसके संबंध में यह विशेष रैली निकालने का आयोजन किया गया था। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हुए और अपनी गाड़ी को बंद करके बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ वह ट्रक को खींचते भी नजर आए। सर, एक बड़ा सांकेतिक प्रदर्शन था, बैलगाड़ी में बैठ कर आना, साइकिल चलाना, किस तरह का संदेश देने का प्रयास है केंद्र सरकार? पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इसी कारण आम जनता, आम उपभोक्ता परेशान है। आज गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलाने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र की मोदी जी सरकार को जगाना चाहते हैं। तत्काल वो अगर सत्ता नहीं संभल रही तो इस्तीफा दे, क्योंकि केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देश की 130 के जनता के जेब में डाका डाल रही है। आज कल तक कहती थी बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 6 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार को, 6 सालों में हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए हम केंद्र की मोदी सरकार से निवेदन करते हैं वो तत्काल इस्तीफा दें। वजह इसलिए है क्योंकि अब हम लोगों का भी हिम्मत नहीं हो रहा है गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलाना, इसलिए हम पुराने दिन याद आ रहे हैं, क्योंकि है ना एक संकेत है किसानों के लिए, क्योंकि किसान ट्रैक्टर से लेकर उनका फसल जोताई के से लेकर हर चीज में उपयोग करता है, तो किसान भी परेशान है, आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, इसलिए हम संकेत के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाना चाहते हैं।